जी अस्सलाम वालेकुम फरुख हमजा खैर, आपके साथ कुछ असाइनमेंट शेयर की थी इनके सोल्यूशन एंड इनके डिस्कशन वीडियो आपके लिए, ताकि आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस वगैरह की है तो जो आपके शॉर्ट कमेंट्स वगैरह थी वो हम डिस्कस कर लें। पहली असाइनमेंट एमसीक्यूज बेस्ड थी, कुछ एमसीक्यूज थे, इनका हम यहाँ पे सोल्यूशन तलाश करते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन है और क्या इसका सोल्यूशन नहीं है। इसी मोड पर जो आगे आपके फर्दर असाइनमेंट्स आएंगी मैं उनकी वीडियो डिस्कशन वगैरह कर दिया करूँगा आप लोगों के साथ, एंड इवन जब आपके रेगुलर टेस्ट शुरू होंगे सीए नोट्स के तो हम वहाँ पे भी डिस्कस कर दिया करेंगे। पहला एमसीक्यू है जी, मिस्टर सलीम इज वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, हिज इनकम शैल बी टैक्स अंडर द हेड। अब देखिए, एक बंदा एज अ एम्प्लॉयमेंटशिप पे काम कर रहा है तो उसकी जो इनकम होगी, जो सैलरी अर्न करेगा, वो उस एम्प्लॉयमेंटशिप से वो उसकी सैलरी का पार्ट बनेगी। वेरी इजी, वेरी क्लियर। सेकेंड है, सैलरी पे टू मिस्टर इलियास वॉज ₹40,000 एंड टैक्स डिडक्टेड वॉज ₹2,000 एंड नॉन इंस्टॉलमेंट इज एडजस्टेड इज ₹5,000। सैलरी रिसीव्ड बाय हिम कितनी सैलरी होगी? अब आप देखें, आप उस बंदे को सैलरी पे कर रहे हैं ₹40,000, ₹40,000 आप उसको सैलरी पे कर रहे हैं। अब उसमें से ये तो आप इसको पे करना ही करना है। अब 2,000 आप कहते हो आपने टैक्स डिडक्ट किया हुआ है और 5,000 आपने लोन की एडजस्टमेंट की हुई है। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि टैक्स में आपने टर्म देखना है विदहेल्ड का। अगर टैक्स में विदहेल्ड की टर्म या ये कहीं पे यूज किया गया है, इसका मतलब इस अमाउंट में से ये चीज विदहेल्ड है, विदहोल्ड की गई है, ये अमाउंट जो है इन रकम के बाद मिल रही है। सो दैट्स व्हाई फिर आप इसको क्रॉस अप करते हैं। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि ये अमाउंट विदहेल्ड है, 40,000 में से ये अमाउंट काट के दी गई थी इसको। आप इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं, आप इसको ग्रॉस अप भी अज्यूम कर सकते हैं कि मिस्टर इलियास की सैलरी है ही 40,000 रुपया, जब उसको सैलरी पे की जाती है तो उसमें से 2,000 रुपया टैक्स काट लिया जाता है और 5,000 रुपया लोन की इंस्टॉलमेंट काट ली जाती है। आप इसको दोनों परस्पेक्टिव से एड लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको सेकेंड परस्पेक्टिव से लेके जाएं ग्रॉस अप वाली से, बिकॉज यहाँ पे विदहेल्ड की टर्म नहीं लिखी हुई। अगर टैक्स में विदहेल्ड की टर्म लिखी होगी देन यू हैव टू ग्रॉस इट अप, आप उसको ग्रॉस अप करेंगे बिकॉज वो नेट वैल्यू शो कर रही होती है और यहाँ पे नेट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इसकी सैलरी जो बनेगी वो 40,000 बन रही होगी। उसके बाद मिस्टर इजाज इज वर्किंग एज अ डिप्टी रजिस्ट्रार इन यूसीबी लिमिटेड एंड ही इज प्रोवाइडेड अ कंपनी मेंटेन कार हुज कॉस्ट इज ₹5,00,000। उसकी कॉस्ट 5,00,000 से जो उसको दे दी गई थी, उसकी WDV थी ₹3,00,000, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी ₹6,00,000। द रेंट पेबल इन केस ऑफ इन इंस्टॉलमेंट वुड बी 12,000 पर मंथ, और जो रेंट था, जो किस्त थी, वो 12,000 थी। द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द हेड सैलरी फॉर द अबव शैल बी एज फॉलो इफ द कार इज पार्टली यूज फॉर ऑफिस एंड पर्सनल पर्पज। अगर गाड़ी पार्टली इस्तेमाल हो रही है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? सिंपल सी बात है, आपने देखना होता है गाड़ी परचेज्ड है या लीज्ड है। अगर गाड़ी परचेज होती है तो आप उसकी कॉस्ट का 5% लेते हैं बिकॉज बहुत पर्पज के लिए। अगर गाड़ी लीज पे है तो आप उसकी फिर फेयर मार्केट वैल्यू का 5% ले रहे होते तो आप एक्सपेक्टिव वैल्यू का 5% लेके ऐड कर लेंगे। उसके बाद बेंचमार्क रेट जो है वो हमारा 10% होता है, वेरी क्लियर। मेडिकल अलाउंस जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी का एग्जेम्प्ट होता है। मेडिकल फैसिलिटी जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत नहीं होती वो टोटली टैक्सेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अलाइड बैंक लिमिटेड हैज़ गिवन अ फ्लैट टू वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज हुज एनुअल रेटिंग वैल्यू इज ₹10,000। उसकी एनुअल रेटिंग वैल्यू 10,000 थी, फ्लैट की कॉस्ट थी ₹7,00,000। ड्यूरिंग द ईयर बैंक हैज़ ट्रांसफर द फ्लैट इन हिज नेम अगेंस्ट ₹4,00,000। फ्लैट था ₹7,00,000 का, उसने बैंक ने ₹4,00,000 के इवज जो है उसको ट्रांसफर कर दिया। द बेसिक सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय इज 360 एनुअली, द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द हेड सैलरी शैल बी, उसके सैलरी में कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी? तो सिंपल सी बात है, आप देखिए 7,00,000 की चीज़ ₹4,00,000 ट्रांसफर की जा रही है, ₹3,00,000 का आपका बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। ये जो आपको 3,00,000 का बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, दिस 3,00,000 विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, तो इसका जवाब 3,00,000 होगा, ये आपके सैलरी का पार्ट बनेगा। उसके बाद है जी, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय ऑफ यूके बेस्ड कंपनी हैज बीन असाइंड टू वर्क इन कराची इन इट्स सब्सिडियरी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस। द इनिशियल एग्रीमेंट ऑफ 2 ईयर वाज कमेंट ऑन दिस डेट एंड वुड बी एक्सटेंडेड सब्जेक्ट टू म्यूचुअल एग्रीमेंट। 2 साल का एग्रीमेंट था, एम्प्लॉय यूके की कंपनी से आया। आप देखिए इतनी लाइन पढ़नी है, एम्प्लॉय कहाँ से आया? यूके की कंपनी से आया, ठीक है, यूके बेस्ड कंपनी का एम्प्लॉय है, कराची में आया है, 2 साल के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। उसके पाकिस्तान सोर्स सैलरी है थी वो 5 मिलियन और 6 मिलियन थी, फॉरेन सोर्स सैलरी जो है थी वो 6 मिलियन 7 मिलियन थी, टैक्सेबल इनकम इससे कितनी होगी? अब ये केस हमें साहिर बात बता रहा होता है कि ये केस इसका जा रहा है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के ऊपर,
क्योंकि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट क्या होता है, पाकिस्तान आता है जॉब करता है, अपनी फॉरन इनकम पाकिस्तान में अगर नहीं लेके आता तो उसकी फॉरन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, बिकॉज वो फॉरन वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होता है। अगर ये बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो उसकी सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी, विच वुड बी गालिबा 2009 की जिसकी इनकम बन रही है वो 5 मिलियन है। बट अगर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट फॉल नहीं कर रहा देन इसकी फॉरन सोर्स ऑफ इनकम और पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम बहुत टैक्सेबल हो जाएंगी। डेट वुड बी 5 मिलियन फॉर पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम एंड 6 मिलियन, दैट वुड बी 11 मिलियन जो इसके टैक्सेबल इनकम बन रही होगी। उसके बाद है, एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम इज इशूड बाई यूसीपी लिमिटेड ऑन 15 मार्च। दिस ऑल परमानेंट एम्प्लॉय में अप्लाई फॉर 10,000 शेयर विद इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹2 पर शेयर एट बैलेंस जो है वो 18 रुपये देंगे जब शेयर इशू होंगे। द मार्केट वैल्यू ऑन डैट डे वॉज ₹50 पर शेयर। इफ शेयर आर इशूड ऑन अगस्त दिस वेन फेयर मार्केट वैल्यू वॉज दिस, वट शुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इन द टैक्स ईयर 2011 एज अंडर सेक्शन 14। अब आप गौर से देखें, मार्च में उसको स्कीम दी गई, उसने स्कीम को ऑप्ट कर लिया, अब उसको शेयर इशू किए जा रहे हैं वो अगस्त 2011 में। आपका ईयर एंड है 30 जून 2011 में, आपको जो शेयर इशू किए जाएंगे जो शेयर इशू किए जा रहे हैं वो 1 अगस्त 2011 में, मतलब आफ्टर द ईयर एंड किए जा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो टैक्स ईयर 2011 में इसका कोई बेनिफिट हम नहीं ले रहे होंगे। उसके बाद एम्प्लॉयज टैक्स प्रिपेयर्ड बाय एन एम्प्लॉय इन एग्जांपल ऑफ रिसीट, रिसीट की एग्जांपल होती है, बताएं किस में। अब ये एम्प्लॉय चेक्स बना दिए हमें, चेक उनको अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, रिसीट की एग्जांपल होगी। तो ये क्या थी, ये हमारी पहली असाइनमेंट थी, इसको इस तरह से आपने करना था।